गुड मॉर्निंग एवरीवन. हर सर दिख रहे कि तुमको हर सर थोड़ा फ्रेम में आना पड़ेगा. लाइव स्ट्रीमिंग, वेरी गुड मॉर्निंग. फेस टू फेस को भी गुड मॉर्निंग. यस यस, स्टार्ट करने के लिए हम लोग आए. वेरी 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन. सब लोग आ गए क्या लाइव? चलो जल्दी जल्दी बताओ. चलो लाइव स्ट्रीमिंग फटाफट से अब अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार. वी आर लाइव, फटाफट से एवरीबॉडी. हाँ यार, पहले तो लिंक शेयर कर दो दैट वी आर लाइव विद आर सक्सेस बैच का पहला लेक्चर. और लेक्चर मैथ्स का नहीं है, सैड मत हो जाओ सडनली. लेक्चर अकाउंट्स का ही है. मैं सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने आई थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू सी यू ऑल. उसके बाद मैं जाऊँगी. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. आप लोगों का अकाउंट्स का ही लेक्चर है. वेरी 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 गुड मॉर्निंग. आपका काम है सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो. इफ़ यू वॉन्ट अकाउंट्स टू स्टार्ट इट, वीडियो को लाइक करो. How are you all doing? I am here. I am also here. Excited? Okay, success batch के लिए चलो जल्दी जल्दी बताएंगे. Are you excited? Yes, ma'am. Thank you. Live streaming. फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार. और जो लोग ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दो फटाफट से. देखो 200 लोग लाइव है और 84 ही लाइक्स है. ऐसा मत करो. बहुत ना इंसाफी. हर सर तुमको कुछ गलत गलत सिखा देंगे. हाँ, क्रेडिट का डेबिट कर देंगे, डेबिट का क्रेडिट कर देंगे. अरे रे रे, फिर कैसे पास होंगे, फिर कैसे गोवा जाएंगे? क्या बात, बहुत ज्यादा पब्लिक आ गई. अब तक कुछ नहीं किया हर सर, अब तक अरे कुछ किया तो नहीं. क्या होगा? अभी तक कुछ नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं. बस एसी के साथ सक्सेस बैच देख लो, आपका काम हो जाएगा. मतलब अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया तो भी चलेगा? तो भी चल जाएगा मैम, पूरा. क्या बात कर रहे हो आप, खुला खुला प्रॉमिस कर रहे हो सबको. खुला एकदम. लाइव स्ट्रीमिंग थोड़ा कुछ बहुत पढ़ा हुआ है या बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है? एकदम खाली आए हो. एकदम एक्साइटेड. वी आर आल्सो वेरी 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 एक्साइटेड. लव फ्रॉम असम, लव फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस. और मुझे एक बात बताएंगे, क्या सब लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है क्या? मैं आपसे स्पेशली ये बात करने भी आई हूँ. जब तक लोग लाइव आ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों ने गूगल फॉर्म भरा है क्या? क्योंकि आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चालू हुए हो राइट? जिन लोगों ने गूगल फॉर्म भरा हुआ है सही से, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना शुरू हुए हो. और क्या बात है, लव फ्रॉम बीमार. अभी बुक नहीं आई है, टेंशन मत लो. बुक इधर से ही पढ़ना है तुमको. लव फ्रॉम चेन्नई, यार क्या बात है. सबको आवाज तो आ रही है, इतना मैं समझ चुकी हूँ. सबने गूगल फॉर्म भर दिया, सच्ची बोल रहे हो? ओके, गूगल फॉर्म भरा है तो तुम लोग ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चालू हुए रहेंगे. और क्या सबने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है क्या? हैज एवरीवन डाउनलोडेड द एप्लीकेशन? मैं सिर्फ तुमसे एक चेक ले लूं, सबने क्या क्या किया है, मुझे वही जानना है पहले तो. एक सेकेंड रुको बेटा, आपका मुझे ही चाहिए. चलो लाइव स्ट्रीमिंग यार, जो लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो यार, ऐसा मत करो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. तुमको नोट्स नहीं चाहिए क्या? इतनी प्यारी प्यारी सक्सेस बैच का पहला दिन है, गुड मॉर्निंग है, और इतना प्यारा रिस्पॉन्स है आप लोगों से, तो एक लाइक करके भी दिखा दो यार. इतना सारा प्यार सब स्टेट से दिखा रहे हो तुम लोग. 250 हो गए यार, लाइक कर दो. 180 लोगों ने लाइक किया. यस यस यस, लाइक द वीडियो, शेयर इट इन एवरी ग्रुप ऑफ योर्स. क्योंकि हर सर इतने अच्छे से आपका अकाउंट करवाएंगे. इनफैक्ट सारे सक्सेस बैच इतने प्यार से आपके कंडक्ट किए जाएंगे, कवरिंग एवरीथिंग. सो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो. एप्लीकेशन डाउनलोड करो, किसी ने अभी तक नहीं किया है तो. एंड यू हैव टू पुट दिस बैच कोड डिस्क्रिप्शन में. सारे लिंक्स दिए हुए आप लोगों के, गूगल फॉर्म के भी दिए हुए, एप्लीकेशन के लिए भी दिए हुए. तब तक कि ये चीज़ें करके रखनी है सो दैट हम आपको नोट्स इस एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर पाएंगे. एप्लीकेशन में अभी कोई भी ऐड हुए नहीं है, सो यू नीड नॉट टू वरी. व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल फॉर्म भरो, इवेंचुअली ऐड हो जाएंगे. उस चीज़ के लिए प्लीज़ यहाँ पे स्पैम मत करो. 255 लाख
करंट व्यूअर्स है और लाइक कभी भी थोड़े से कम है सर, 200 क्रॉस कर दिए. हाँ ना, एक लाइक ही तो करना है. सही बात है. यस, मैं अभी हाँ स्केड्यूल ही दिखा रही थी कि आपको पता है कि आप लोगों का स्केड्यूल ये आपके सामने है. रोज आपका अकाउंट्स होगा 10:30 AM. अकाउंट्स के बाद कम्युनिकेशन होगा, वो भी करण सर से 12:15 बजे. फिर इकोनॉमिक्स है आप लोगों का 1:30, 1:45 के आसपास. बेटा ये 1:45 रखो इसको आप लोग. मैथ्स का लेक्चर होगा 5 बजे एंड लॉ का लेक्चर आकाश सर के साथ है 6:45. इस तरीके से हम रोज मिलने वाले हैं. अपना सारा CMA फाउंडेशन का जर्नी इस स्केड्यूल में हम कंप्राइज करने वाले. और आप लोगों को मैं एक सरप्राइज दिखाऊंगी, एक सरप्राइज वीडियो है विच आई विल बी शोइंग इन माय लेक्चर. आज के मैथ्स के लेक्चर में आई विल शो. वैसे तो मैथ्स के लिए एक्साइटेड होंगे ही, पढ़े भी नहीं होंगे, बट फिर भी एक और मोटिवेशन है. आज बहुत प्यारा सरप्राइज है आप लोगों के लिए. एक वीडियो रहेगा मैथ्स के लेक्चर में. यार सच में लव टू एवरी स्टेट एंड एवरी स्टूडेंट फ्रॉम AAC. हाँ, कहाँ कहाँ से एक बार बताओ ना आप लोग. आप कुछ नहीं, वापस बता देना, वापस बता देना यार. यस, 2016 वाले भी देख सकते हैं. गूगल फॉर्म की इंफॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. उस लिंक पे क्लिक करो, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिल करने. बस कुछ भी नहीं आता है, बस आपके भरोसे. ऐसे कई बच्चे AAC के भरोसे बिल्कुल टेंशन, मतलब कई बच्चे बहुत अच्छे 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 मार्क्स के साथ क्लियर होते हैं. बिहार प्रयागराज हर सर अकाउंट सुप्रीमेसी, नो डाउट. हर सर तो एकदम छा रहे हैं अभी, एकदम फेवरेट टीचर हो रहे हैं अकाउंट्स हैं सबके. दिल्ली, गुजरात, रांची, बिहार, अरे बाप रे, संभाजीनगर, तमिलनाडु, दिल्ली, लखनऊ, गोवा, कोलकाता, तमिलनाडु, अयोध्या, मणिपुर, वाराणसी, दिल्ली, यूपी, जमशेदपुर, ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, पुणे, चेन्नई, दिल्ली, बिहार, अरे बाप रे, बाप रे बाप, नासिक, अरे रे, पुणे, तमिलनाडु, पुणे, नांदेड़, प्रयागराज, दूर, गुजरात, अहमदाबाद. सर ये तो खत्म ही नहीं हो रही इनकी लिस्ट. गुजरात, छत्तीसगढ़, कोल्हापुर, चेन्नई, नागपुर, आसाम, MP बहुत देर बाद सुनाई मैं, हरियाणा, छत्तीसगढ़, फिर कोल्हापुर, पटना, कोलकाता, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बंगाल से भी बहुत है, बेंगलोर, हरियाणा, नांदेड़, कर्नाटक, MP, कानपुर. सर बहुत 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 यानी सारे स्टेट से बच्चे पढ़ने के लिए आए. ग्रेट. तो क्या सारे के सारे बच्चे मैडम रेडी है? सर सारे के सारे बच्चे रेडी. एक बार बताएंगे 272 बच्चे लाइव है. अब मैं ये पूछो मैडम, सारे के सारे बच्चे रेडी है या नहीं रेडी है? सारे के सारे बच्चे रेडी है या नहीं फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स. स्टार्ट कर दे क्या AAC का सक्सेस बैच सीजन 4 विद वन एंड ओनली सबके चहेते हर्ष अग्रवाल सर को बुला के स्टार्ट कर दे क्या भैया? लेकिन यार स्टार्ट करने से पहले कम से कम 250 लाइक तो कर दो. 250 लाइक तो कर दो कम से कम. 271 पब्लिक यहाँ पे और 236 लोगों ने लाइक किया है. क्यों ऐसा हम कंजूसी कर रहे हो यार? है नहीं यार, मारवाड़ी तो हम लोग यार, तुम कंजूसी तुम लोग कर रहे हो यार, ऐसा मत करो. और शाम को मैडम के मैथ्स के लेक्चर में आना. मैडम एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज दिखाने वाली है आप लोग को. बहुत मैथ्स का लेक्चर, ये शेड्यूल किसने भूलना नहीं है, अपने सब दोस्तों को बता देना है. हम आपके ग्रुप के ऊपर भी ये शेड्यूल डाल देंगे थोड़ी देर में. हमने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ कुछ बच्चों को ऐड करवा दिया है ना, कुछ कुछ बच्चों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैडम बाद में बता देंगे कैसे ऐड होना, जो ऐड नहीं हो पाए. कुछ कुछ बच्चे ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, कुछ बच्चे ऐड नहीं हो पाए हैं, है ना, तो उनको भी ऐड कर देंगे और शेड्यूल हम लोग डाल देंगे. क्या करें मैडम, चले स्टार्ट करें क्या? करें सर, बहुत क्या बात है यार, 284 लोग हैं, 250 लाइक हो गया. थैंक यू सो मच. हम क्या बात मैम, बच्चों ने कर दिया है ना. स्टार्ट करें. सो यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद हर सर का अकाउंट्स एंड वी विल कॉल हियर. और हर सर आपका लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. मेघालय से भी बच्चे मैडम, मेघालय सर हर स्टेट से दिख रहे मुझे बच्चे. वेरी नाइस यार, आ जाइए हर सर. यस हर सर आ जाइए, गेम स्टार्ट करें बच्चे लोग को. अकाउंट्स ओल्ड न्यू जो भी सिलेबस के बच्चे हैं सब लोगों के लिए सेम ही रहेगा आपका अकाउंट. उनको एक वो कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर देना.
बच्चों को कंफ्यूजन रहता है अकाउंट्स में क्या ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू ओल्ड न्यू है ना, तो सबको बता देना, वैसे तो ओल्ड वाले कम है लेकिन फिर भी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, कैसे सब लोग, गुड मॉर्निंग यार, क्या बात है यार, थैंक यू फॉर सो मच लव यार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो वो घड़ी आ गई है जहाँ पे हम हमारा आकाश अग्रवाल क्लासेस का CMA फाउंडेशन का सक्सेस बैच सीजन 4 वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे 12 जून। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट से। तो सबसे पहले कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट होता है कि सर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग में क्या चेंजेस है। तो अकाउंट्स की बात करूं मैं तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, एक सिंगल टॉपिक में भी आपका कोई चेंजेस नहीं है। तो वेदर इट बी ऑफ ओल्ड सिलेबस वेदर इट बी ऑफ न्यू सिलेबस, आपको आना है, डेली लेक्चर करना है, जो आपको होमवर्क दिया गया होमवर्क करना है, आपका काम हो जाएगा। यू विल बी डेफिनेटली क्लियरिंग योर एग्जाम विद वेरी गुड मार्क्स। ना ही मेरे सब्जेक्ट की बात करो, बाकी हर एक सब्जेक्ट की अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं की रहेगी, डोंट वरी, व्हेन ही इज हियर यार। बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सबको, गुड मॉर्निंग यार, वेरी 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 गुड मॉर्निंग है। और जो लोगों ने लाइक नहीं किया भाई, सब लाइक कर दो, और भूलना नहीं हम बहुत सारे MCQs भी करेंगे थ्योरी पहले। देखो अपना सिस्टम बहुत सिंपल वाला है, हम कैसे वर्क करने वाले मैं आपको पहले दिन बता देता हूँ कि सर क्या करने वाले हो आप लेक्चर्स में, क्या नहीं करने वाले हो, थोड़ी पढ़ाई कम हुई है सर, थोड़ा डर लग रहा है सर, MCQs देख के डर लगता है सर, कैसे सॉल्व करें कैसे सॉल्व नहीं करें, कन्फ्यूजन क्रिएट होता सर ऑप्शन ए करे ऑप्शन बी करे तो हम कैसे सॉल्व करें सर। बिल्कुल भी चिंता मत करना। कैन आई ज्वाइन फॉर December 23? यस यू कैन ज्वाइन फॉर December 23। यू हैव टू कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो, नंबर दिया है नीचे क्लास के नंबर पे, आप कॉन्टैक्ट करिए, टीम आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे उसके बारे में। ओके यार, कम्युनिकेशन न्यू सिलेबस वालों के लिए वो भी एक क्लियर कर लो, जो कम्युनिकेशन टॉपिक है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यस चलो यार, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल बी स्टार्ट। मैं आपको पहले बताऊंगा बच्चों लोग, सबसे पहले यहाँ पे फेस टू फेस वालों को भी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट यार। हम पढ़ेंगे कैसे पहले वो जान लेते। आज सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जो भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे सबसे पहले हम उसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, बिकॉज जब मैं फाउंडेशन लेवल की बात करता हूँ वहां पे थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी के ऊपर बहुत सारे MCQs आते हैं आपको। आपने मतलब MTP देखा रहेगा आपका, जो अभी रिसेंट रिलीज हुआ है वहां पे भी आप देखोगे कि थ्योरी के सवाल ज्यादा पूछते। बच्चे क्या करते फाउंडेशन लेवल पे थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देते। लास्ट अटेम्प्ट में भी जब हमने सक्सेस बैच लेके गए थे हम, तो वहां पे भी हमको दिखा था कि बच्चे लोग थ्योरी को भयानक लेवल का नेग्लेक्ट करते, वो हमको बिल्कुल भी करना नहीं है। सबसे पहले हम क्या खत्म करेंगे, थ्योरी करेंगे, सबसे पहले हम खत्म करेंगे थ्योरी। आफ्टर दी थ्योरी वी विल बी डूइंग MCQs। जैसे चैप्टर खत्म होता है तुरंत उसके बाद हम उसका एक MCQ का सेशन रखेंगे, जो मैंने MCQs ढूंढ ढूंढ के लाया आपके लिए, हैंड पिक MCQs है, जो हमेशा आकाश अग्रवाल की स्पेशलिटी रहती है कि MCQs जो रहते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं। मतलब जो एग्जाम में आपके MCQs आते हैं वो MCQs हम आपको क्लास में सॉल्व कराएंगे। और अगर आपने ईमानदारी से सारे लेक्चर कर लिए, अभी तक सर अकाउंट्स में कुछ पढ़ा नहीं है, कैसे करना है, बहुत डिफिकल्टी फेस आ रही है, एक महीना बचा एग्जाम को, चिंता मत करना, बस आना है, बैठना है, सॉल्विंग करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो रिजल्ट है वो पास आएगा और वेरी गुड मार्क्स के साथ। और आपको पता ही रहेगा लास्ट का जो अटेम्प्ट था, यानी कि आपका जनवरी का अटेम्प्ट, वहां पे हमारा एक बच्चा जिसका नाम है कुलजोत सिंह, उसको 380 मार्क्स आए थे, उसका ऑल इंडिया रैंक आया था फाउंडेशन लेवल पे। तो आपको भी, आप में से भी जितने लोग यार लाइव स्ट्रीमिंग में और यहाँ पे जितने भी फेस टू फेस में, सारों बच्चों को एक ही रहेगा, हमको पूरी मेहनत करनी है, एक महीना बस दे देना है हमको, एक महीना दे दोगे ना आपका काम हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज हम पढ़ेंगे क्या। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। और लाइव स्ट्रीमिंग, हाँ सर ये अच्छा, चैप्टर बाय चैप्टर, हाँ चैप्टर बाय चैप्टर MCQs करेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा, सबर करो, हर एक चीज मिलेंगे, फर्स्ट डे पे हर एक चीज नहीं मिलने वाली, थोड़ा टाइम लगना पड़ेगा, डेली आना पड़ेगा। यस ये बैच जुलाई वालों के लिए भाई साहब, ये बैच जो है जुलाई वालों के लिए। तो हम आज हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सर क्या रहता है अकाउंट्स? सबसे पहले बच्चों का यही सवाल रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंटिंग श्रुति मैम करवाती है, कॉस्टिंग का जो पार्ट है आपका वो श्रुति मैम करवाएगी। बार बार एक ही मैसेज स्पैम करने से कुछ आंसर चेंज नहीं होने वाला, वो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे लोग यार।
कितने डेज का रहेगा सक्सेस बैच अभी नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं करने का, चीटिंग नहीं करने का। तो लेट्स स्टार्ट यार, अभी आप लोग ना लाइव स्ट्रीमिंग में जितने भी बच्चे लोग हैं, आपका काम यही रहेगा कि मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर देना है। कुछ पढ़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस चैट बॉक्स के अंदर आंसर देना। आपको दिख रहा है स्क्रीन, फेस टू फेस वालों को स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग, आई थिंक सो एवरीबॉडी इज क्लियर, आप सबको स्क्रीन वगैरह दिखता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। सर सबसे पहले हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स मतलब क्या। सबसे पहले बच्चों का सवाल ही ये रहता है, यहाँ पे जितने भी साइंस बैकग्राउंड वाले रहेंगे उनको भी बिल्कुल चिंता करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अकाउंटिंग एकदम बेस से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करते सिवाय, सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स। तो पहला बच्चों का सवाल क्या रहता है, सर अकाउंट्स मतलब क्या, अकाउंट्स मतलब क्या, आसान भाषा में क्या बोलते रहे इसको भाई साहब, हिसाब किताब रखना। क्या रखना, हिसाब किताब रखना। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना। जो भी आप बिजनेस के अंदर आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी बिजनेस के अंदर आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, आप डेली मरता हुआ में परचेस सेल करते हो, तो उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है, क्योंकि हम हर एक चीज को याद कर सकते हैं क्या, नहीं। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम हर एक ट्रांजैक्शन को याद नहीं कर सकते, इसके वजह से हमको उसका क्या रखना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसका मतलब रहता है अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंट्स का मतलब क्या, नॉर्मल भाषा में हिसाब किताब रखना। सर हिसाब किताब किसका रखेंगे, बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं, हिसाब किताब हम रखते हैं ओनली एंड ओनली ऑफ विच ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। विच ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर हिसाब किताब किस चीज का रखेंगे, जो ट्रांजैक्शन और रहते फाइनेंशियल नेचर के, उसी का हम क्या रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। मैं बिजनेस कर रहा हूं, डेली मरता हुआ बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते रहते, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक ट्रांजैक्शन याद रखूं, इसीलिए मुझे उसको क्या करना पड़ता, रिकॉर्ड करना पड़ता इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए एक सब्जेक्ट का नाम आया जिसका नाम है अकाउंट्स। हर एक ट्रांजैक्शन को मैं याद नहीं कर सकता हूं, उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ता है, इसीलिए हम उसको किस में रिकॉर्ड करते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सर कौन से ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन भी तो दो प्रकार के हैं, एक है आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हमारा सवाल है सर, लाइव स्ट्रीमिंग सब लोग ध्यान देंगे, यूट्यूब पे से हट जाएंगे लेक्चर्स, नहीं लेक्चर्स रहेंगे अवेलेबल, आप देख सकते हो, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि लाइव में ही रहना है आपको, लाइव ही अटेंड करना है। क्यों लाइव अटेंड करना है, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट रहा तो आप तुरंत पूछ सकते हो मुझे, नोट्स कहाँ मिलेंगे सब चीज आपको बताया जाएगा बच्चा, नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्या कहाँ पे मिलेगा सब कुछ बताया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो आप। तो भाई साहब सबसे पहले अभी चैट बॉक्स को थोड़ा ये करके आपको चैट बॉक्स के अंदर आंसर देना है, सर हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन को हम मनी और मनीज वर्थ के अंदर मेजर कर सकते हैं, बस उसी ट्रांजेक्शन क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड। सबसे पहली चीज, जो ट्रांजैक्शन को हम मनी और मनीज वर्थ में रिकॉर्ड कर सकते उसी को क्या करेंगे हम, मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते उसी को क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड। आप सबके तरफ से मुझे एक ही लगेगा कि आपको एक नोटबुक निकालना है, एक नोटबुक निकालना है, आपको लिखना है ऊपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जब थ्योरी लिखेंगे तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सर, थ्योरी लिखने पे से हमको समझ में आएगा कि एमसीक्यूज क्या आएगा, लिखना भी है साथ में, चैप्टर का नाम दो ऊपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स लिखना है आपको, क्योंकि आप जब थ्योरी लिखोगे आपको एमसीक्यू में बहुत बेनिफिट मिलेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, अकाउंट्स के नीचे लिखना है आपको हिसाब किताब रखना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, अकाउंट्स के नीचे आपको लिखना है हिसाब किताब रखना, ऑफ विच ट्रांजेक्शन, नीचे लिखना है आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ऑफ विच ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, लिखो 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 सब लोग लिखो, एवरीबडी इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दिसंबर अटेम्प्ट वालों आप भी देख सकते हैं लेक्चर्स, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम सिलेबस है आपका भी, यू कैन वॉच, आपके लिए बेनिफिट रहेगा।
इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना और फाइनेंशियल नेचर। सर अभी हमको ये समझा दो कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जो ट्रांजेक्शन को आप मेजर कर सकते इन मनी और मनी इज वर्थ, उन्हीं को बोलते हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब जो ट्रांजेक्शन को हम पैसा या पैसे की कीमत में तोल सकते उसी को बोलते हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर एग्जांपल दो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का तो। और हाँ हाँ, ओल्ड सिलेबस वाले भी देख सकते लेक्चर्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दिया था भाई साहब, मेजर ऑन मनी और मनीज वर्थ, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑन मनी और मनीज वर्थ। अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दिए गए, अकाउंटिंग की अलग अलग डेफिनेशन है जो आपके एमसीक्यू में काम में आती। मेरे ख्याल से ये लिख के हो गया आपका लाइव स्ट्रीमिंग एवरीबॉडी डन, क्या लिख के हुआ क्या? अरे चार्ट बॉक्स के अंदर बताओ, चार्ट बॉक्स के अंदर हर एक जन बताएगा आप सबका लिख के हुआ है क्या नहीं, एवरीबॉडी। तो लेट्स स्टार्ट यार, अभी हम सबसे पहले पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। सर अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी है? भाई साहब दो व्यक्ति थे, दो लोग थे जिसने अकाउंटिंग का डेफिनेशन दिया था। पहला था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ AICPA। व्हाट डू वी कॉल दैट? AICPA। एवरीबॉडी साथ में बोलेंगे मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग, आप लोग आपके घर में बैठ के बोलेंगे AICPA। सर फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा क्या? फुल फॉर्म याद रखना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। फुल फॉर्म क्या है इसका? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। व्हाट डू यू कॉल दैट? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ईयर याद रखना है आपको, ईयर क्या है भाई साहब? 1961। ईयर क्या है आपका? 1961। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने ये डेफिनेशन दिया है। सर डेफिनेशन क्या दिया है? डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। आपको ईयर सब लोग को चार्ट बॉक्स के अंदर डालना है, क्या ईयर कौन सा है? 1961। ईयर कौन सा है भाई साहब? 1961। मैथ्स में कुछ भी नहीं आता बिल्कुल चिंता मत करना, वन एंड ओनली सीए श्रुति मैम है वहां पे। मैथ्स में कुछ भी नहीं आता तो मैम आपको ऐसा मैथ्स करवाएंगे जिससे आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मैथ्स में मिल जाएंगे। AICPA, वेरी गुड यार, 1961। सर अभी इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ेंगे क्या? आज वो पढ़ते। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ वॉट? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। सब लोग साथ में बोलेंगे अकाउंटिंग क्या है भाई साहब? एक आर्ट है ऑफ वॉट? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब एक मैनर में आपको सिग्निफिकेंट मैनर में उसको रिकॉर्ड करना है, ऐसे ही कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आज मूड हो रहा है आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कल मूड नहीं तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये चलने वाला है क्या भाई साहब? नहीं, आपको रिकॉर्डिंग करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मनी ट्रांजेक्शन? जो ट्रांजेक्शन को हम पैसे की कीमत में तोल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके शॉप पे आ गया, मैंने आपसे परचेज कर दिया, तो मैंने आपको कैश दे दिया है ना, और आपने मुझे क्या दे दिया? गुड्स। क्या ये ट्रांजेक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते क्या? हाँ। ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, विच पार्ट ऑफ फाइनेंशियल character and interpreting the result thereof. Sir, what do you mean by result? हम events पढ़ेंगे, transaction पढ़ेंगे और result पढ़ेंगे। ये तीन word हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ये तीन word बेहद important है इसके अंदर। कौन से सर? एक है आपका transaction, एक है आपका result, एक है आपका event। सबसे पहले ना आपको result का मतलब बताता हूँ। अभी आप लोग सब CMA foundation का exam दे रहे हो in the month of July। तो आपका result क्या आएगा? या तो आप क्या करोगे? Pass या fail? अरे मुँह से बोलो pass या fail। लाइव स्ट्रीमिंग तुम लोग भी घर पे बोलेंगे पास होंगे क्या फेल होंगे? पास। देखो तुमने बोला वो होने वाला है तो तुमको बोलना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीमिंग क्या होने का सबको? पास क्या फेल? एवरीबॉडी पास होंगे ना, तो आपका रिजल्ट है। आपने एफर्ट्स किए, आपने 6 महीना पढ़ाई किया, आपने सक्सेस बैच अटेंड किया, तो उसके वजह से आपका रिजल्ट क्या आया? पास। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आपका रिजल्ट क्या होता? फेल। तो वैसे बिजनेस कर रहा हूं, अगर बिजनेस के अंदर मैं मेहनत करूंगा, बिजनेस के अंदर मेहनत करूंगा, एफर्ट्स लगाऊंगा, तो मेरे को प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा? प्रॉफिट। क्या होएगा भाई साहब? प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, क्या बात है, क्या बात है यार। सारी पब्लिक को पास होने का यहाँ पे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारी पब्लिक को पास होने का है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब ये इसका मतलब है रिजल्ट।
मतलब आपने जब बिजनेस किया, बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन किए, तो आपका रिजल्ट क्या आया? पास क्या फेल? पास। तो वैसे बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन करूंगा, तो क्या होएगा? प्रॉफिट या तो लॉस। क्या होएगा? प्रॉफिट या तो लॉस। आप बिजनेस करोगे तो आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट क्या लॉस? अरे प्रॉफिट क्या लॉस, क्या फ्री में काम करने के लिए काम कर रहे क्या? नहीं, मेहनत कर रहे तो पैसा मिलना मांगता क्या? नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो एक बार सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, पहला चीज क्या है भाई साहब? रिकॉर्डिंग। एवरीबॉडी क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। मैंने अभी तक आपको ट्रांजेक्शन नहीं बताया, अभी तक आपको इवेंट नहीं बताया, बताऊंगा, सबर रखना। विच आर एट दैट of at least financial character and interpreting the result thereof and interpreting the result thereof. जो भी financial transaction हुए उसका भाई साहब result क्या आएगा? या तो profit या तो loss. अभी दो word है आपके जीवन में, एक का नाम है transaction, एक का नाम है event. मेरा सवाल है, क्या दोनों same है क्या दोनों अलग है? मेरा सवाल ध्यान से सुनना, क्या ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों वर्ड सेम है क्या दोनों वर्ड अलग अलग है? लाइव स्ट्रीमिंग तुम लोग भी मेरे को चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या दोनों वर्ड सेम दिख रहे क्या अलग अलग है? एवरीबॉडी फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताओ, चैट बॉक्स के अंदर एवरीबॉडी लिखेंगे अलग अलग है, क्या अलग है दोनों में भाई साहब? मेरे को बताएगा कोई? ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जिसके अंदर एफर्ट्स है या नहीं है? ट्रांजेक्शन के अंदर एफर्ट्स है या नहीं है? अभी मेरे पास ध्यान से सुनना, मैंने परचेस किया, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, तो मैंने वहां पे से 100 एलईडी टीवी मेरे फैक्ट्री से परचेस किया। मेरा एक शोरूम है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम, मेरे इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, तो वहां पे मैंने 100 एलईडी टीवी परचेस किए फ्रॉम अ फैक्ट्री, तो क्या उसके अंदर मेरे एफर्ट्स लगे या नहीं लगे? मेरे को फैक्ट्री में जाना पड़ा, फैक्ट्री में से मॉडल सिलेक्ट करना पड़ा, हाँ या ना? मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ, फिर वहां से वो माल को लोड करना पड़ा, लोड करके मेरे शोरूम में लेके आना पड़ा, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन किए मैंने इसके अंदर मेरे एफर्ट्स लगे क्या? हाँ, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। तो इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व है क्या? हाँ, तो ये क्या होगा तुम्हारा? ट्रांजेक्शन। ये क्या होगा तुम्हारा? ट्रांजेक्शन। ध्यान से सुनो, मैंने 100 एलईडी भी परचेस किए फैक्ट्री से, मेरा एक शोरूम है, तो उसके अंदर मेरे एफर्ट्स लगे, मेरे को पैसा पे करना पड़ा, मेरे को यहां से ट्रैवल करके जाना पड़ा गाड़ी में, वहां से गुड्स लेके आना पड़ा, ये सारे इसके अंदर क्या लगे भाई साहब? मेरे एफर्ट्स। तो ये क्या हो गया भाई साहब? एक ट्रांजेक्शन। क्या हो गया? ट्रांजेक्शन। 100 टीवी लेके आ गया, कितने टीवी लेके आ गया? 100 टीवी लेके आ गया, 100 में से मैंने क्या कर दिया? 80 टीवी बेच दिए, 80 एलईडी टीवी बेच दिए। आई सोल्ड 80 एलईडी टीवी। क्या इसमें भी एफर्ट्स लगे क्या नहीं लगे? माल बेचने में एफर्ट्स लगता है क्या? नहीं। कस्टमर को कन्विंस करना है, सेल्समैन रखना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सारे चीज के अंदर भी एफर्ट्स लगे क्या? तो ये भी क्या हो गया? एक ट्रांजेक्शन। ये भी क्या हो गया? एक ट्रांजेक्शन। देखो, परचेस क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन था क्या? हाँ। सेल किया, ट्रांजेक्शन था क्या? हाँ। ध्यान से सुनना, मैंने कितने टीवी परचेस किए? 100। बेचे कितने? 80। कितने बचे हुए? 20 बचे। उसमें मेरा कुछ हाथ है क्या? नहीं। कुछ हाथ है क्या? वो आपके जो आपने 100 टीवी परचेस कर दिया, आपने 80 बेच दिए, कितने टीवी बचे आपके? 20 टीवी बच गए क्या? हाँ या ना? क्या उसके अंदर कुछ आपके एफर्ट्स लगे हुए है क्या? नहीं। तो ये 20 टीवी को हम क्या बोलते रहे? ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट डू वी कॉल दैट? क्लोजिंग स्टॉक। 100 टीवी परचेस किया जिसमें से 80 बेच दिया, 20 बचा हुआ है, तो बचे हुए 20 को क्या बोलेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। क्या इसके अंदर मेरे कोई एफर्ट्स लगे क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया पता है क्या? एक इवेंट। ये क्या हो गया? एक इवेंट। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या? इवेंट क्या? एक रिजल्ट। ये क्या? एक रिजल्ट। समझ में आया ट्रांजेक्शन और इवेंट क्या है? ट्रांजेक्शन मतलब क्या? जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले क्या? हाँ। इवेंट के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले क्या? नहीं। ट्रांजेक्शन के अंदर भाई साहब ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले हैं, और इवेंट्स के अंदर आपको कोई भी प्रकार का आपको ये लगेंगे ह्यूमन एफर्ट्स नहीं। और रिजल्ट एक प्रकार का क्या है भाई साहब? रिजल्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक सो, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है भाई साहब? इवेंट। परचेज ऑफ गुड्स क्या है? ट्रांजेक्शन क्या? इवेंट। अरे परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन या इवेंट? ट्रांजेक्शन। सेल ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन या इवेंट? ट्रांजेक्शन।
क्लोजिंग स्टॉक ट्रांजेक्शन क्या इवेंट इवेंट क्या है भाई सब चार्ट बॉक्स में बताएंगे सब लोग ट्रांजेक्शन क्या इवेंट इवेंट व्हाट डू यू कॉल दैट इवेंट ट्रांजेक्शन इवेंट दोनों वर्ड समझे क्या हाँ या ना अभी मैंने माल बेच दिया सेल किया सेल मेरे लिए इनकम या एक्सपेंस सेल करता हूँ सेल मेरे लिए इनकम या एक्सपेंस परचेज मेरे लिए क्या हुआ एक्सपेंस सेल मेरे लिए क्या हुआ इनकम अभी इनकम हुआ ये तो सेल करने से मुझे प्रॉफिट या लॉस हुआ ये एक ट्रांजेक्शन है क्या इवेंट है इवेंट ये क्या है इवेंट माल बेचना मेरा काम है बट माल बेचने की वजह से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो एक क्या है भाई साहब इवेंट ये क्या है मेरे लिए इवेंट देखो कभी कभी ऐसा होता है क्या कोई कोई कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो उसको हमको कम माल में भी देना पड़ता है क्या तो कभी कभी लॉस भी होता है क्या हाँ और कभी कभी क्या होता है प्रॉफिट तो वो आपके लिए क्या हो गया एक इवेंट तो प्रॉफिट और लॉस क्या रहेगा ट्रांजेक्शन या इवेंट इवेंट ट्रांजेक्शन प्रॉफिट और लॉस क्या रहेगा ट्रांजेक्शन क्या इवेंट इवेंट मैंने घर का लाइट बिल पे कर दिया ट्रांजेक्शन क्या इवेंट ट्रांजेक्शन क्या इवेंट मैंने मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी दी दी ट्रांजेक्शन क्या इवेंट ट्रांजेक्शन ये सारे क्या है भाई साहब ट्रांजेक्शन क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स है क्या हाँ जो भी इसके अंदर ह्यूमन एफर्ट्स आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे ट्रांजेक्शन और जिसके अंदर नहीं आएंगे उसको क्या बोलेंगे इवेंट क्या बोलेंगे इवेंट एवरीबडी क्लियर है क्या हाँ या ना पक्का क्लियर है क्या मेरा सवाल है क्या ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो लाइव स्ट्रीमिंग हर एक बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा क्या ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट एवरीबडी फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे मेरा सवाल ध्यान से सुनना क्या ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट क्या ऑल इवेंट आर ट्रांजेक्शन फिर से एक बार आर ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो चैट बॉक्स में भेजेंगे आप एंड आर ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन दो वर्ड यूज किया मेरे को यस और नो में आंसर चाहिए फटाफट से क्या ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो नो वेरी 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 गुड क्या बट हर एक इवेंट एक ट्रांजेक्शन है क्या हाँ एवरीबडी ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन कुछ तो उल्टा बोल रहे हो तुम लोग लाइव स्ट्रीम में क्या बोलते हैं ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट क्या हर एक ट्रांजेक्शन एक इवेंट है क्या यस और नो चैट बॉक्स में आंसर दो यस बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन देखो ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन यहाँ पे बोला है ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन सर ओपनिंग स्टॉक क्या है ओपनिंग स्टॉक क्या रहता बताऊंगा चिंता मत करो ओपनिंग स्टॉक क्या रहता क्लोजिंग स्टॉक क्या रहता सब बताऊंगा चिंता मत करो ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजेक्शन चलो यार मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा है तुमको यस और नो में बोलना है ऑल इवेंट यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन क्या इनका सही है कि आपका सही है आप लोगों को बताना पड़ेगा ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स ये लोग बोल रहे हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बस आपको आंसर देना है मैंने जानबूझ के आपका पहले आंसर लिख दिया था यस और नो मेरे को बताओ ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट यस और नो ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजेक्शन गलती कर दिया क्या नहीं ये ट्रू ऑफ फॉल्स में आता है आपको ट्रू ऑफ फॉल्स में पूछेंगे ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बच्चे लोग बोलेंगे नो फॉल्स अरे नहीं ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन एवरीबडी क्लियर है क्या अरे हाँ या ना ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन वेरी 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 गुड ट्रू ऑफ फॉल्स का सवाल है आपको आपको भूलना नहीं कि आपको एमसीक्यू पूछते तो ट्रू ऑफ फॉल्स नहीं पूछ सकते ट्रू ऑफ फॉल्स पूछ सकते इसीलिए मैंने आपको पहले लिखा था ऑल इवेंट्स आर ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट और मैंने वहां पे जानबूझ के नो लिखा था मुझे आपका आंसर देना था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर बहुत सही दिया आई एम वेरी प्राउड ऑफ यूर वेरी 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 गुड एवरीबडी सबको समझ में आया क्या थोड़ा हाथ चलाओ लिखो चलो ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट एंड ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन नॉट को आप हाईलाइट करोगे नॉट ट्रांजेक्शन फटाफट से चलो देखो छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सिंपल चीज को डिफिकल्ट मत करो बस फटाफट से कॉपी करो चलो लाइव स्ट्रीमिंग एवरीबडी क्लियर है क्या एवरीबडी लाइव स्ट्रीमिंग चैट बॉक्स में सब लोग बताएंगे यार
एवरीबडी क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेरी रहेगी तो पूछ सकते हैं बिंदास, कोई इश्यू नहीं, बिंदास पूछो, कोई शंका, कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कॉपी करके हुआ रहेगा तो बताओ। मेरे ख्याल से आपको ट्रांजेक्शन और इवेंट का मतलब समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजेक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट? क्लियर? डन 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 डन, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, कॉपी डन, कॉपी डन, कॉपी डन। सुजल बोल रहे हैं सर ऑल, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो भाई साहब। ट्रांजेक्शन मतलब क्या जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स आ रहे हैं, और आपका इवेंट मतलब क्या जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, उसको बोलते हैं भाई साहब हम लोग इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने माल परचेज किया, माल बेच दिया, परचेज करने में ह्यूमन एफर्ट्स लगे, सेल में ह्यूमन एफर्ट्स लगे, बट जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसके अंदर थोड़ी ह्यूमन एफर्ट्स लगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक इवेंट। क्या हो जाएगा? इवेंट। सूरज, अभी मैंने फिर से बोला, अभी फिर से मैंने वही बोला, मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए ऊपर, एक बार एग्जांपल कॉपी कर लेना आप लोग, ट्रांजेक्शन और इवेंट के नीचे के एग्जांपल कॉपी कर लेना। ट्रांजेक्शन ह्यूमन एफर्ट, वेरी गुड, इवेंट रिजल्ट, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिपीट करो एक बार सर, अभी मैंने दो बार फिर से रिपीट किया, एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करते तो बचलो। ट्रांजिशन के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले, बट इवेंट के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले क्या? नहीं। तो इसीलिए हर एक जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो एक इवेंट है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटकम आने वाला है। मैं जब माल बेचता हूँ ना, तो उसका आउटकम क्या आता है? या तो क्या होएगा? प्रॉफिट, या तो क्या होएगा? लॉस। सिंपल सा सवाल है भाई साहब। और जब भी मैं माल परचेस करता हूँ तो कुछ माल मेरे पास रह जाता है, तो वो एक रिजल्ट है। तो ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। क्लियर? जस्ट लाइक मक्खन, मेरे को मक्खन मार रही सुबह सुबह, वेरी गुड। थोड़ा और बड़ा लिखूं क्या? ठीक है, और बड़ा लिखता हूँ, मेरे को जूम कर लिया मैंने। ए एमसीक्यू ट्रू और फॉल्स में आएगा, चलो कॉपी करो, अभी हमको आगे का पार्ट पढ़ना है। तो हमने तीन चीज पढ़े, सबसे पहले ट्रांजेक्शन क्या है, इवेंट क्या है, रिजल्ट क्या है। यस, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, दे कैन फिल द फॉर्म for joining the WhatsApp. If you are giving exam in the July, so you can fill the form, no issues. सारे के सारे links आपके description में दिए हुए, you can fill the form. I think see, जिस जो लोग repeat बोल रहे थे, आप सबको अभी clear हो गया, लिखे हुआ आपका। तो transaction के अंदर human efforts आएंगे, event के अंदर human efforts आने वाले क्या? नहीं। Event क्या है भाई साहब? हमारा outcome, या तो क्या बोल सकते हैं? Result. क्या बोल सकते हैं? Result. तो भाई साहब पहला डेफिनेशन किसने दिया था? AICPA, किसने दिया था? AICPA. What do you mean by AICPA? American Institute of Certified Public Accountants. फिर से एक बार फुल फॉर्म, American Institute of Certified Public Accountant. ईयर क्या था भाई साहब? 1961. चैट बॉक्स में हर एक बच्चा आंसर देगा कि ईयर कौन सा था? 1961. क्या ईयर था भाई साहब? 1961. हमने पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and event. दोनों वर्ड का मतलब समझ लिया? Transaction क्या है, event क्या है, are in part of at least financial character and interpreting the result thereof. Very 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 good. हर एक बच्चे ने live streaming में answer दिया है, वेरी वेरी गुड। लाइव क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगा, एक 5-10 मिनट्स दे देना लेक्चर के बीच में, बता दूंगा लाइव क्लास का शेड्यूल क्या रहता है, ऑलरेडी बताया था मैंने। सर अभी एक जन से डेफिनेशन नहीं पढ़ा, आपको याद रहेगा आपने बचपन में एक सब्जेक्ट पढ़ा नहीं जिसका नाम था हिस्ट्री, याद आ रहा है क्या? हिस्ट्री और साइंस पढ़ा है क्या? साइंस, हिस्ट्री साइंस पढ़ा है क्या? क्या एक आदमी डेफिनेशन है क्या? अलग अलग लोग आने के, अलग अलग आने के, मैं भी कुछ बोलूंगा, तुम भी कुछ बोलेंगे, दोनों लोग वार्तालाप करेंगे और मजे करेंगे, बराबर है क्या? नहीं, वो याद आ रहा है क्या आपको? तो हर एक व्यक्ति अपने अपने राय रखेगा। तो पहली डेफिनेशन किसने दी थी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ईयर याद रखना है, ईयर 1961. एमसीक्यू में ईयर आ सकता है भाई, सब दो मार्क दिख जाएगा आपको। अगर आपने 1961 की जगह पर 1970 मार्क कर दिया, तो दो मार्क अंदर नहीं, दो मार्क बाहर, वो याद रखना है आपको। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जिसका नाम है भाई साहब AAA. क्या नाम है इसका? AAA, ट्रिपल ए, ट्रिपल आर नहीं है, ट्रिपल ए। ट्रिपल आर एक अलग चीज है, आपने मूवी देखा रहेगा ट्रिपल आर, जिसने नहीं देखा रहेगा देख के आओ, बढ़िया मूवी है। ये ट्रिपल ए है, वैसे अभी मूवी देखने का टाइम नहीं है तुम्हारा, पढ़ने का टाइम है, एग्जाम आ गई है।
अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ईयर बोला है आपको 1966, दोनों में ईयर का 5 साल का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है 5। ऊपर वाले का ईयर कितना था 1961, इसका कितना 1966। इसने क्या बोला है, इसने क्या बोला, देखो, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे जिसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के यूजर्स कौन कौन है? आपको लगता है कि नंबर एक ही आदमी यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बहुत लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ओनर यूज करता है, ओनर क्यों यूज करता रहेगा, फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर वॉट, डिसीजन मेकिंग। डीएम पता है क्या डीएम? अरे आपका इंस्टाग्राम का डीएम नहीं, आपको डायरेक्ट मैसेज याद रहेगा, बस हमारे हिसाब से डीएम का मतलब क्या रहता है, डिसीजन मेकिंग। क्या लाइफ में डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो अकाउंटिंग के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें आगे बिजनेस को एक्सपांड करना है कि अभी बिजनेस को बंद करवाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब क्या, ये कौन लेते हैं आपके, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका ओनर, आपका मैनेजमेंट भी आपका अकाउंटिंग को यूज करता है। सर क्यों यूज करता है मैनेजमेंट? क्योंकि मैनेजमेंट को समझेगा कि खर्चा कितना करना है, इनकम कहाँ से जनरेट हो सकता है, सारे चीज को मैनेज कैसा करना है। ओनर हर एक चीज मैनेज नहीं कर सकता है, वो एक मैनेजमेंट टीम रखता है, उनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन देता है और तुम लोग मुझे बताओ कि क्या डिसीजन लेना है क्या डिसीजन नहीं लेना है। ओनर के लिए हर एक चीज पॉसिबल नहीं है। सर अलग अलग लोग रहते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग जिसका नाम है, एक का नाम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पता है आपको, आपको पता है क्रेडिटर्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स? मेरे लिए आपके टर्म में चार टर्म यूज करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है इनकम, एक का नाम है एक्सपेंस, एक का नाम है एसेट, एक का नाम है लाइबिलिटी। अगर ये चार चीज आपके जीवन में आपको पता चल गई, आपके लिए अकाउंट सिंपल हो जाएगा। और चिंता मत करना, जितने भी बच्चे लोग को यहाँ पे एंट्री पास करने में डिफिकल्टी होती है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं सर वो समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं वो भी सीख लेंगे, हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आगे आगे आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आपको। सर व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग का यूजर्स, मतलब जो लोग आपकी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। फॉर वॉट, डिसीजन मेकिंग। फॉर वॉट, डिसीजन मेकिंग। आपके ओनर्स, आपका मैनेजमेंट, आपके क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स को क्या इन्फॉर्मेशन, उनसे तो मैं सप्लायर, वो मेरे सप्लायर हुए, मैं उनसे माल परचेस कर रहा हूँ उधारी पे, मुझे उनको पैसा देना बाकी है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर्स, मुझे उनको पैसा देना बाकी है, वो मेरे सप्लायर है, मैंने उनसे माल परचेस किया उधारी के ऊपर, मुझे उनको माल दे, पैसा देना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो सर वो मेरे यूजर्स कैसे हुए, उनको मेरे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट, सुनो ध्यान से, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की क्यों रिक्वायरमेंट है भाई साहब, तुम लोग केपेबल हो क्या नहीं पैसा पे करने के लिए? क्या कोई भी आप चले गए, फॉर एग्जांपल देखो ये हो आप, ये तुम हो, ये कौन हो, तुम लोग चले गए, ये तुम्हारा सप्लायर, तुम इसको पहचानते नहीं है, तुमने ये समझो ये डीलर है बड़े चीज में, तुमने जाके बोला इसको कि भाई साहब 10 करोड़ का माल दे दे, कितने करोड़ का माल दे दे, 10 करोड़ का माल दे दे और मैं तुझे पैसा पे करूंगा 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। आपने माल परचेस कर दिया, आपने उसको बोला कि मैं 3 महीने बाद पैसा पे करूंगा, ये पागल आदमी दिखता है क्या आपको? भले इसके बाल कैसे भी हो जाए, बट ये पागल दिखता है क्या आपको? नहीं। ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा कि आपके पास भाई साहब आप केपेबल हो क्या नहीं रीपेमेंट के, उसको बोलते हैं हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। आपने देखा रहेगा जब भी आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से लोन लिया रहेगा आपके घर में किसी ना किसी ने बैंक से लोन लिया रहेगा, तो बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपको एक चीज याद रखना रहता है कि आपको सारे अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन बैंक को देना पड़ता है, आपका बैंक स्टेटमेंट हर एक चीज आपको सबमिट करना पड़ता है बैंक में, बैंक दिखता है कि भाई साहब ये बंदा केपेबल है क्या नहीं रीपेमेंट के। ऐसे ही बैंक किसी को लोन नहीं दे देगा, तुम आओ हम खुले ही बैठे आके लोन लेके जाओ, ऐसा नहीं चलता है भाई साहब। आपको अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसके बाद आपका लोन अप्रूव होता है। तो वैसे ही आपका जब क्रेडिटर्स है वो आपका क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा कि भाई साहब आप केपेबल हो क्या नहीं पैसे देने के लिए,
क्या आप सबको समझ में आया कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को क्यों इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है? हाँ या ना? एवरीबडी क्लियर है क्या आपके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं. आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपके लेंडर्स हो गए, आपका बैंक लोन हो गया, आपके ओनर हो गए, आपके मैनेजमेंट हो गए, ये सारे आपके क्या है भाई सब? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. आई थिंक सो एवरीबडी इज क्लियर. आपने दो डेफिनेशन देख लिए, एक का नाम था ए ए ए आई सी पी ए, एक का नाम था ए ए ए. सबको क्लियर है लाइव स्ट्रीमिंग? एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे मेरे को. एवरीबडी मेरे को चैट बॉक्स के अंदर आंसर चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. अभी तक खत्म नहीं हुआ, अभी तक बहुत बचा है, अभी तक बहुत चीज बचे हुए अभी तक. आई थिंक सो एवरीबडी इज क्लियर. दोनों डेफिनेशन क्लियर है, एक का नाम था ए आई सी पी ए, एक का नाम था ए. मेरे को ए का फुल फॉर्म बताएंगे सब लोग. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. ईयर कितना है? 1966. द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट. जजमेंट मतलब क्या? आपको जजमेंट देना मतलब आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि मेरे को बिजनेस मेरा एक्सपांड करना है कि एक्सपांड नहीं करना है, वो आप डिसीजन मेकिंग बोलते हो. आप कभी भी देखोगे जो भी बड़े बिजनेसमैन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरा बिजनेस को एक्सपांड करना है कि एक्सपांड नहीं करना है. मेरे पास पैसा है, इतना एसेट है, इतना मेरा लाइबिलिटी है, मैं बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूँ, तभी वो एक्सपांड करते. उसको बोलते हैं इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. एवरीबडी लाइव स्ट्रीमिंग चैट बॉक्स में बताएंगे आप सबको क्लियर है क्या. किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेरी नहीं तो पूछ सकते. दो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, एक का नाम था ए आई सी पी ए, एक का नाम था ए ए ए. ए आई सी पी का फुल फॉर्म एवरीबडी सब लोग बोलेंगे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. ईयर था भाई साहब 1961. दूसरा बड़ा हमने अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. ईयर क्या था? 1966. हमने टर्म कौन से पढ़े? ट्रांजेक्शन पढ़ा, इवेंट पढ़ा, रिजल्ट पढ़ा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े. याद रहेगा सबको? एवरीबडी लाइव स्ट्रीमिंग एवरीबडी क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेरी रहेंगे तो पूछ सकते. एनीबडी एनी डाउट, एनी क्वेरीज फटाफट से. मेरे सामने आपको एक सवाल पूछता हूं, क्या ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट? यस और नो? ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट, यस और नो? यस. बट ऑल इवेंट्स आर ट्रांजेक्शन? नो. वेरी 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 गुड. याद हो गया एवरीबडी सबको? किसी को कोई डाउट नहीं ना? बढ़ने का आगे अगले पार्ट पे हम जाएंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अगला जो पार्ट है हमारा जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. सर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना. पहला चीज हमने पढ़ी कि भाई साहब अकाउंटिंग का मतलब क्या, डेफिनेशन क्या अकाउंटिंग मतलब क्या. सिंपल भाषा में मेरे को सब लोग बताओ, हिसाब किताब रखना. किसका हिसाब किताब रखेंगे? ट्रांजेक्शन. कौन सी ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल. जो ट्रांजेक्शन में आपस में क्या होएगा? लेन देन. क्या होएगा? लेन देन. व्हाट डू यू मीन लेन देन? या तो देखो मैं आपके पास आ गया, मैंने आपसे परचेस कर दिया, तो आपने मुझे क्या दे दिया? गुड्स. मैंने आपको क्या दे दिया? कैश. क्या आपस में लेन देन है क्या? हाँ. ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. कौन सा ट्रांजेक्शन है? एवरीबडी क्लियर है क्या? हाँ या ना? हम कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे? ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल. जो ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल नेचर के उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं. सर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का कोई एग्जांपल एनीबडी? क्या रहता? बार्टर सिस्टम. गुड्स के बदले गुड्स. क्या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं. एवरीबडी क्लियर है क्या? नहीं. मनी और मनी इज वर्थ. क्या बोलते हैं हम उसको? मनी और मनी इज वर्थ. एवरीबडी क्लियर है क्या? वेरी 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 गुड यार. वेरी 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 गुड. वेरी 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 गुड. अभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एक एक ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे. प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग. अभी पढ़ा था हमने. किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग करके? आपके यूजर्स को. किसको करते हैं? यूजर्स. फॉर व्हाट पर्पस? रैशनल डिसीजन मेकिंग. प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग. मतलब सही डिसीजन लेना है, गलत नहीं लेना है. जितने भी आपके यूजर्स है, यूजर्स में कौन कौन आते हैं सर? आपके ओनर्स, लेंडर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके इन्वेस्टर. देखो आपके जब इन्वेस्टर्स रहते, आप फ्यूचर में जाके आप एक सीएमए बनने वाले हो, आप फ्यूचर में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसीजन मेकिंग. तो आप जब भी कोई भी चीज का डिसीजन लोगे किसके बिहाफ पे लोगे? किसके बिहाफ पे लोगे? अकाउंटिंग. किसके बिहाफ पे लोगे? अकाउंट. अरे मैंने आपको बोला कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई कंपनी में, तो आप पहले जाके क्या देखोगे? पता है क्या? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स.
आप जाके चेक करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी केपेबल है कि नहीं, कंपनी के एसेट कितने, कंपनी के लाइबिलिटी कितने, कंपनी कितने साल से प्रॉफिट कमा रही, कंपनी को कितने साल तक लॉस हुआ, वो आपका डिसीजन मेकिंग चेंज करता है। वो आपका डिसीजन मेकिंग क्या करता है, चेंज। अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, बट उसके एसेट ज्यादा नहीं है, तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? नहीं। आपका डिसीजन मेकिंग क्या होता है, चेंज। किसके वजह से चेंज होता है, अकाउंटिंग। किसके वजह से चेंज होता है, अकाउंटिंग। अगर हमने अकाउंटिंग नहीं की, अगर हमने अकाउंटिंग नहीं की, तो इन्वेस्टर डिसीजन ले सकते क्या? नहीं। आप डिसीजन लोगे ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। दूसरा है भाई साहब, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। कैसा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है, सिस्टमैटिक। व्हाट डू यू मीन सिस्टमैटिक? सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करना है आपको। आप आपकी बुक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते क्या? नहीं। वैसा ही आप जब अकाउंटिंग करोगे किससे, कौन से वे में करोगे, सिस्टमैटिक वे। मतलब जो दिन में ट्रांजेक्शन हुआ ना उसी दिन पे रिकॉर्ड करो। आज का ट्रांजेक्शन अगले महीने, अगले महीने का अगले साल, ऐसा करते क्या? नहीं। सिस्टमैटिक वे में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। हर एक चीज कैसे होनी चाहिए, सिस्टमैटिक। आपने एक चैप्टर अकाउंट्स का अकाउंट्स के बुक में लिखा, दूसरा चैप्टर लिखा इको के बुक में, तीसरा चैप्टर लिखा लॉ के बुक में, चौथा चैप्टर जो आपकी बचपन की छोटी सी बुक थी, मतलब आपकी रब बुक, रब बुक में जाके लिख दिया, क्या सिस्टमैटिक वे हुआ क्या? नहीं। वैसे ही अकाउंटिंग जब करोगे तो एक सिस्टमैटिक वे पे करना चाहिए। वरना कुछ लोग क्या करते बताए क्या, देखा है मैंने, कुछ ट्रांजेक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कुछ याद नहीं रहता इसके लिए हाथ पे लिख देंगे। क्या चलने वाला है क्या ये? नहीं। क्या सिस्टमैटिक वे हुआ क्या? नहीं। आपको जो अकाउंटिंग है कैसे करनी पड़ेंगे, सिस्टमैटिक वे में, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके। पक्का क्लियर है? यूजर्स, मैनेजमेंट, ओनर्स, इन्वेस्टर, हाँ ये सारा बोलो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड। लाइव स्ट्रीमिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखो, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया उसके रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा? आपने याद रहेगा आपने बचपन में, आपका बचपन मतलब कि आपका 11th 12th, आपने 11th 12th में एक अकाउंट बनाया रहेगा जिसका नाम है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन द ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट? क्या मिलेगा ट्रेडिंग पीएनएल से? ट्रेडिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग से क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या मिलेगा? ग्रॉस लॉस। बट पीएनएल से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए वो ट्रांजेक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हुआ, उसको बोलते हैं हम रिजल्ट्स। व्हाट डू यू कॉल दैट? रिजल्ट्स। रिजल्ट्स ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन किया आपने, आपने परचेस किया, आपने सेल किया, आपने इनकम रिकॉर्ड किया, आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ये सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है क्या, लॉस, उसको बोलते हैं हम रिजल्ट्स। व्हाट डू यू कॉल दैट? रिजल्ट्स। तो अभी तक हमने तीन चीज पढ़ी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या भाई साहब, प्रोवाइड किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आप लोग सब बोलो, यूजर्स। फॉर व्हाट पर्पस? डीएम। फॉर व्हाट पर्पस? What do you mean by DM? डायरेक्ट मैसेज बोलने का क्या? नहीं। क्या बोलते हैं उसको हम? डिसीजन मेकिंग। दूसरा, अकाउंटिंग के कैसे रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? सिस्टमैटिक वे। विच वे? सिस्टमैटिक वे। एवरीबडी क्लियर है क्या? नहीं। फिर अगला हमने पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा? अरे ये वीडियो आप यूट्यूब पर अपलोड रहेंगे क्या? मैंने पहले ही बोल दिया था, बार बार एक ही मैसेज स्पैम करने से, हर एक चीज एक ही बार करने से अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई चीज चेंज भी करनी पड़ती है जीवन में, वो चीज याद रखो। मैंने अच्छी चीज बोली, तुम लोग बुरा सोच रहे, मेरे को कुछ बोलने का नहीं उसके बारे में। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सिस्टमैटिक वे में हम क्या करोगे, रिकॉर्ड। फिर ये ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किए उससे क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या, आपका प्रॉफिट या तो लॉस, क्या बोलेंगे इसको, प्रॉफिट या तो लॉस। तीनों ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या हमारे? पहला, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, दूसरा सिस्टमैटिक वे रखो, तीसरा भाई साहब रिजल्ट निकालो, मतलब प्रॉफिट है क्या, लॉस। To ascertain the financial position of the business. To ascertain the financial position of the business. Business की financial position क्या है? मतलब financial position मतलब क्या? आपके asset कितने, आपके liability कितने? आपको asset पता है क्या? जो चीज आप own करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? Asset। क्या करते हैं? Asset। मैं ये classroom own करता हूँ, ये classroom मेरे लिए क्या बन गया? Asset। आपका mobile phone, ये mobile phone आप लोग use करते हो क्या? नहीं। ये आपके लिए क्या बन गया? Asset। क्योंकि आपको बेनिफिट दे रहा है क्या? नहीं। गंदे गंदे बेनिफिट नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे अच्छे बेनिफिट बोल रहा हूँ मैं। मतलब आपको कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है क्या? नहीं। मोबाइल फोन तो ये कौन सा है भाई साहब? ये तुम्हारे लिए क्या बन गया? एसेट। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में क्लासरूम, ये कैमरा, ये सेटअप, ये सारे चीज, ये लैपटॉप मेरे लिए क्या बन जाएगा? एसेट। जिससे मेरे को बेनिफिट मिलता है, वो भी कौन सा? शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। व्हाट डू यू कॉल दैट? एसेट। क्या बोलते हैं? एसेट। मैंने आपको उधारी पे माल बेचा, गुड्स बेचे। माल का मतलब तुम लोग गंदा सोचेंगे, मेरे को पता है। मैंने आपको गुड्स बेचे, गुड्स बोला मैंने, माल नहीं बोला, गुड्स बेचे।
आपसे आपने मुझे पैसा पे नहीं किया, आपने बोला सर अगले महीने पैसा पे कर दो, बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो मुझे आपसे पैसा आना बाकी है, तो आप मेरे लिए क्या बन गए? एसेट. क्या बन गए? एसेट. एक वर्ड जिसका नाम है लाइबिलिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज? आपको पैसा देना बाकी है, पैसे देना बाकी रहा तो आपके लिए क्या रहेगा? एसेट लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्या हो गया आपके लिए? लाइबिलिटी, क्योंकि आपको देना बाकी है. आपको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता रहना चाहिए, इसीलिए हम बचपन में बनाते हैं जिसका नाम था बैलेंस शीट. बैलेंस शीट से हमको क्या समझता कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे एसेट कितने हैं, हमारे लाइबिलिटी कितने हैं. समझ में आया क्या? एवरीबडी 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 सब लोग बताएंगे चैट बॉक्स में कि हमारे एसेट कितने, हमारे लाइबिलिटी कितने. उसको बोलते हैं हम असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओन्ड बाय द बिजनेस, वेरी गुड यार. प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग गुड्स, जिसको भी बोल सकते हैं हम एसेट. यस एवरीबडी, आपको फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब समझा क्या? अरे फाइनेंशियल पोजीशन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी यार. उसको भी बोलते हैं हम हमारा बैलेंस शीट. क्या बोलते हैं उसको? हमारा बैलेंस शीट. हमको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है, चिंता मत करो, पढ़ेंगे अपन. सब लोग शैडो में बताओ फाइनेंशियल पोजीशन समझा क्या? टू नो दी सॉल्वेंसी पोजीशन. टू नो दी सॉल्वे, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी पोजीशन? सॉल्वेंसी पोजीशन में दो वर्ड आएंगे आपको. सॉल्वेंसी के यहाँ पे मैं दो वर्ड लिखता हूँ, एक का नाम है सॉल्वेंट, एक का नाम है इनसॉल्वेंट. क्या आपको सॉल्वेंट का मतलब पता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? एसेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम, मतलब आप पैसा पे करने के कैपेबल हो, उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट. व्हाट डू मीन बाय लाइबिलिटी? इनसॉल्वेंट. लाइबिलिटीज ज्यादा, एसेट कम. मैंने मार्केट से उधारी ले रखी है, मेरे लाइबिलिटी से भाई साहब 100 रुपए, कितने हैं? 100 रुपए, और मेरे एसेट है मात्र 10 रुपए. मतलब मुझे देना कितना बाकी है? 100, और मैं ऑन कितना करता हूँ? 10. मैं क्या हुआ, सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट? इनसॉल्वेंट. क्या हो गया भाई साहब? इनसॉल्वेंट. और सॉल्वेंट मतलब क्या? मेरे एसेट है 100 और लाइबिलिटी कितना है? 10. कितना है? 10. इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट. मतलब मेरे पास एसेट ज्यादा है, मैं ज्यादा ओन करता हूँ, और मुझे देना कम बचा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी. एवरीबडी क्लियर है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंट? सब लोग बोलेंगे एसेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम. लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी घर में बैठना, हेडफोन लगा के बोलना कान में कि भाई साहब एसेट ज्यादा, लाइबिलिटीज कम. इनसॉल्वेंट का मतलब क्या? लाइबिलिटीज ज्यादा, एसेट कम. आप आपके जीवन में क्या होना चाहते हो, सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट? सॉल्वेंट. क्या होंगे भाई साहब? हमेशा हमेशा सॉल्व. आपको एक व्यक्ति याद रहेगा, वीएम. वीएम याद है? विजय माल्या. वो सॉल्वेंट था क्या इनसॉल्वेंट था? इनसॉल्व, क्योंकि उसके लाइबिलिटीज ज्यादा थे, एसेट्स कम. तो आज भी पर वो बाहर जाके मजे कर रहे हैं क्या? नहीं. हाँ या ना? उसने फ्रॉड किया. उसने क्या किया? फ्रॉड. बड़ा केस स्टडी है. इंटर में जब आओगे आप, इंटर में बहुत डिस्कशन होता है ये केस स्टडी के बारे में. हम पढ़ेंगे कैसे रहता है, क्या नहीं रहता है. आपको जब इंटर में आप आओगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में एक चैप्टर नाम है जिसका नाम है डिसोल्यूशन, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी का केस आता है. वहां पे हम सब डिटेल में पढ़ते ही, पूरा डिटेल में पढ़ते कैसे करना कैसे नहीं करना. यार आप सबको समझ गया सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट मतलब क्या? हमने कितने ये पढ़ लिया भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स? 5. कितने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े? 5. पहला, सब लोग बोलेंगे साथ में, पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर व्हाट यूजर्स, फॉरवर्ड पर्पस डिसीजन मेकिंग, फॉरवर्ड पर्पस डिसीजन मेकिंग. दूसरा, अकाउंटिंग का रिकॉर्ड कैसा करना चाहिए? गंदे लोग किंग फिशर मत बोलो इधर. आज मंडे है, अच्छा दिन रहता है, मंडे के दिन भी कुछ भी बातें करते हैं आप पे, चलो आ जाओ. नंबर तीसरा, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ द अबाव ट्रांजेक्शन. जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए उसके रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है क्या, लॉस है. फिर चौथा बड़ा, हमने हमको क्या बता रहना चाहिए, हमारा फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? आपके एसेट कितने, आपकी लाइबिलिटी कितने. लास्ट पॉइंट, टू नो दी सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी मतलब क्या? आप आपके जीवन में, मतलब आपके बिजनेस में, आप सॉल्वेंट हो क्या, इनसॉल्वेंट? सॉल्वेंट हो क्या, इनसॉल्वेंट? एवरीबडी क्लियर है क्या? लाइव स्ट्रीम में हर एक बच्चा चैट बॉक्स में बताएगा, सबको क्लियर है क्या? अरे मुंह से बोलो, सब लोग अपने अपने मुंह से बोलो, दूसरे के मुंह से नहीं बोलना है. सबको क्लियर है क्या? हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, अभी हम आगे के पार्ट पे बढ़ेंगे. बढ़ने आगे आगे, चलो आगे बढ़ेंगे. अभी अभी हमारे 2 पार्ट हो गए. अभी हम हमारे जीवन में, वेरी गुड. गर्मी बहुत है, फैन में बैठ जा, ठंडा पानी पी ले. पानी बोला मैंने, लोग गंदा गंदा सोचते पानी के नाम से भी. क्लियर एवरीबडी? अरे चैट बॉक्स में देखो, ऐसा चीटिंग नहीं करने का. सब लोग के मैसेज आना मांगा चैट बॉक्स में, क्लियर है क्या? नहीं. अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आएंगे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करेंगे तो, फटाफट से
एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे फटाफट से हर एक बच्चे लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे. वेरी 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 गुड सर. सर दो वर्ड है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. दो वर्ड है आपके जीवन में, एक का नाम है बुक कीपिंग, एक का नाम है अकाउंटिंग. क्या डिफरेंस है सर? व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग, ये नहीं पता है हमको. व्हाट डू मीन बाय बुक कीपिंग? बुक कीपिंग मतलब क्या? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना बुक के अंदर हाय ना, उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. पहले क्या होगा बुक कीपिंग क्या अकाउंटिंग? पहले क्या होगा बुक कीपिंग. क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग. देखो यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया मैंने, आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट फॉर अकाउंटिंग. क्या विदाउट बुक कीपिंग आप अकाउंटिंग कर सकते क्या? नहीं. सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसको क्या बोलेंगे हम? बुक कीपिंग. क्या बोलेंगे? बुक कीपिंग. उसके बाद उसको हमको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा. याद आ रहा है क्या? नहीं. समराइज करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग. क्या बोलते हैं उसको हम? अकाउंटिंग. आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग. आपको ट्रू ऑफ फॉल्स में एमसीक्यू में आ जाएगा. आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग. एवरीबडी आर क्लियर है क्या? नहीं. हाँ या ना? पहले क्या होगा इसके लिए? पहले बुक कीपिंग होगा क्या अकाउंटिंग होगा? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग बाद क्या होगा? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते. आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. पहले बुक कीपिंग करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसकी क्या करेंगे? अकाउंटिंग. क्या करेंगे? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बिहाफ पे तो आप क्या लग सकते हो? जजमेंट कि मेरे को मेरा बिजनेस को बढ़ाना है, कम करना है, या हमें बिजनेस को बंद करने का समय आ गया है, उसको ही क्या बोलते हैं हम? अकाउंटिंग. आउटपुट ऑफ अकाउंटिंग परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. एक वर्ड बार बार आ रहा है जिसका नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. उसका मतलब क्या? आपके ओनर्स, आपके मैनेजमेंट, आपके इन्वेस्टर्स, सबको क्या बोलते हैं हम? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. अगला पॉइंट क्या लिखा है? पर्पज ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड टू एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस. इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस मतलब क्या? जब ट्रांजेक्शन हो रहा है ना तभी के तभी रिकॉर्ड करो. आज का ट्रांजेक्शन दो महीने बाद एक साल बाद रिकॉर्ड करके चलेगा क्या? नहीं. तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस. जब ट्रांजेक्शन हुआ तब के तब रिकॉर्ड करो. पर्पज ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर. नॉन फाइनेंशियल की बात किया मैंने? नहीं. एक ही चीज की बात किया जिसका नाम है फाइनेंशियल, इन ऑर्डर ऑफ इट्स ऑकरेंस. देखो अगला पॉइंट देखो क्या बोला यहाँ पे. पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसकी अकाउंटिंग. अकाउंटिंग से आपको पता चलेगा कि आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है कि लॉस है. आपको अकाउंटिंग से यह पता चलेगा कि आपके एसेट कितने, आपके लाइबिलिटी कितने. ये किससे पता चलेगा? बुक कीपिंग से पता चलेगा क्या? नहीं. किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग. किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग. एवरीबडी तो मेरे को सब लोग पहले बोलेंगे बुक कीपिंग पहले होगा कि अकाउंटिंग पहले होगा? पहले क्या होगा? बुक कीपिंग. पहले क्या होगा? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग क्या होगा? अकाउंटिंग. क्या होगा भाई साहब? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बिहाफ पे आप क्या लोगे? आपके जजमेंट. क्या लोगे? जजमेंट. पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट. रिजल्ट मतलब क्या? रिजल्ट मतलब क्या? मुंह से बोलो. प्रॉफिट या तो लॉस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब डेली के काम करके जो आपको रिजल्ट मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल आपका एक सुपरमार्केट है. सुपरमार्केट में आपका डील का काम है ग्रोसरीज बेचना, ग्रोसरीज खरीदना. तो उससे आपका रिजल्ट क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाट डू यू कॉल दैट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. मैं एक टीवी का शोरूम चला रहा हूँ, मैं डेली टीवी बेचता हूँ, खरीदता हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. कौन सा एक्टिविटी हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एंड टू रिपोर्ट फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस. बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग किसका फाउंडेशन है? अकाउंट. एवरीबडी बुक कीपिंग इसका फाउंडेशन है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज कंसिडर एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. एमसीक्यू में आना ही आना है भाई साहब. एमसीक्यू का पॉइंट है, आप आपके बुक में लिख दो जाके. बुक में लिख दो जाके एक पॉइंट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. Accounting is the language of business. Live streaming, everybody clear है क्या? चलो फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे. एवरीबडी क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहे, क्या बात है भाई सब?
इतने जल्दी एनर्जी लो करके के चलेगा नहीं, एनर्जी बना के रखो. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ. कौन कैरी करता है? जूनियर स्टाफ. बुक कीपिंग आप करने वाले क्या? नहीं. आफ्टर बिकमिंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आप जब एक CMA बन जाओगे तो क्या आप बुक कीपिंग करने वाले हो क्या? नहीं. आप क्या करोगे बताए क्या? अकाउंटिंग. आप क्या करोगे? अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज डन बाय द सीनियर स्टाफ विथ स्किल ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तुम बताओ क्या नॉर्मल भाषा में बुक कीपिंग कौन करेगा? कोई कोई छोटा मोटा नहीं रहता है. बुक कीपिंग कौन करता बताएंगे? जो लोग बीकॉम वगैरह करते हैं वो जूनियर स्टाफ हो गया, उनको अकाउंटिंग का डीप में नॉलेज नहीं है, तो वो लोग क्या करते पता है क्या? बुक कीपिंग. क्या करते हैं? बुक कीपिंग. उनको ये पता है कि भाई साहब इसका एंट्री कैसे पास करते हैं. उनको एंट्री पास करने आता है बट उसको एनालिसिस करते नहीं आता है, इंटरप्रिटेशन करते नहीं आता है. वो किसको आएगा पता है क्या? क्वालिफाइड बंदे को जिसका नाम है सीनियर स्टाफ विद आपके पास स्किल हो जाएगा. आप जब एक CMA बन जाओगे तो आपके पास स्किल आ जाएगा कि आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग के टर्म्स को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वो आपको पता चलेगा. बुक कीपिंग इज कैरिड बाय जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज डन बाय दी सीनियर स्टाफ. तो मेरे को बताओ बुक कीपिंग कौन करेगा? जूनियर या सीनियर? जूनियर. अकाउंटिंग कौन करेगा? सीनियर. ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू समराइज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस फॉर अ गिवन पीरियड बाय मेंटेनिंग परमानेंट रिकॉर्ड. बाय विच रिकॉर्ड? परमानेंट रिकॉर्ड of each business transaction with its evidence and financial effects of accounting variable. मतलब क्या सर? Evidence का मतलब क्या? What do you mean by evidence? सबूत. हाँ या ना? What do you mean by evidence? सबूत. पता है क्या नहीं आपको? Evidence का मतलब क्या? सबूत. Objective of bookkeeping was to summarize the cumulative effect of all the economic transaction of business for a given period by maintaining permanent record. Record कौन सा? Temporary है क्या? Permanent है. Permanent. मैंने आज आपको माल बेचा ना तो मेरे पास परमानेंटली लिख के रखेगा भाई साहब मैंने केशव को माल बेचा, उससे पैसा आना बाकी है, पैसा आना बाकी है. वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हुआ. टेम्पररी हुआ क्या? नहीं. आगे आके अगर केशव ने बोल दिया सर आपने मुझे माल कब भेजा था बताओ, आपके पास क्या प्रूफ है? तो मेरे पास अगर अकाउंटिंग किया रहेगा, बुक कीपिंग किया रहेगा, तो मेरे पास क्या रहेगा भाई साहब? एविडेंस. क्या रहेगा भाई साहब? एविडेंस. वरना हर एक व्यक्ति तो लोगों को पागल बनाते फिरता था भाई साहब, माल परचेस करो और भाग जाओ पैसे लेके. बट अगर आपने बुक कीपिंग किया है तो आपके पास कौन सा रिकॉर्ड है भाई साहब? परमानेंट रिकॉर्ड. कौन सा रिकॉर्ड है? परमानेंट रिकॉर्ड. आपके पास एक एविडेंस है. अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप जा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, सामने वाले पे क्या फाइल कर सकते हो? केस. क्योंकि आपके पास क्या है भाई साहब? एविडेंस. उसी समय पे समझो आपने अकाउंटिंग नहीं किया, आपने बुक कीपिंग नहीं किया, आपको बोर हो रहा था, सर बोर हो रहा बुक कीपिंग करने में, नहीं करना, तो क्या आपके पास कोई एविडेंस है क्या? नहीं. क्या कानून आपकी मदद करेगा क्या? नहीं. उनको तो क्या लगता? सबूत. क्या लगता? सबूत. मतलब क्या? एविडेंस. विदाउट एविडेंस आपको कोई हेल्प करेगा क्या? नहीं. ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली टू बुक कीपिंग बट ऑल्सो टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इनफॉर्म जजमेंट्स. आप जजमेंट किसके बिहाफ पे लोगे, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग. किसके बिहाफ पे लोगे? अकाउंटिंग के बिहाफ पे. आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो ओनर है, आपके जो इन्वेस्टमेंटर है, वो मेरा चलो. कुछ लोग आ जाते स्पैम करने के लिए, कोई इशू नहीं. प्रूफ. वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट ओनली बुक कीपिंग बट ऑल्सो एनालाइजिंग. एनालाइजिंग हम पढ़ेंगे. एनालाइज कैसे करते हैं ट्रांजेक्शन को? एंड इंटरप्रेटिंग द रिपोर्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इन्फॉर्म जजमेंट. फॉर विच जजमेंट? इन्फॉर्म जजमेंट. एवरीबडी क्लियर है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग सबको कोई दिक्कत है क्या? तो हमने पांच इसके पढ़ पड़े. सबसे पहले पहले क्या होएगा? बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग. बुक कीपिंग का क्या होएगा? अकाउंटिंग. मेरा एक सवाल है, बच्चों के बारे में भी बहुत सवाल रहता है कि सर बुक कीपिंग कौन सा कंसेप्ट है, शॉर्टर या ब्रॉडर? शॉर्टर. अकाउंटिंग कौन सा है? ब्रॉडर. पॉइंट लिख के लो, पॉइंट लिख के लो छोटा सा. चलो बुक कीपिंग इज अ शॉर्टर कंसेप्ट और दूसरा पॉइंट अकाउंटिंग. एमसीक्यू में आएगा ये, दो मार्क्स दिखे जाएंगे आपको. ब्रॉडर कंसेप्ट
अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। अरे लाइव स्ट्रीमिंग हर एक बच्चा चैट बॉक्स में क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेरी रहेंगी तो पूछ सकते एवरीबडी, एनीबडी, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट, कोई शंका, कोई क्वेरी है क्या? व्हाट इज रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग? ट्रांजेक्शन विविध नेचर के, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन को हम मनी और मनीज वर्थ में मेजर कर सकते हैं उसी को हम करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, बुक कीपिंग बोलते हैं उसको। आई थिंक सूरज आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा। लिखे हुआ क्या? तो मेरा आपको सवाल, कौन सा कंसेप्ट ब्रॉडर है, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है भाई साहब? शॉर्टर। पहले क्या होगा बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। बाद में क्या होगा? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग कौन करता? जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ? जूनियर। अकाउंटिंग कौन करता? सीनियर स्टाफ। पक्का क्लियर है क्या? हाँ या ना? डिसीजन किसके बिहाफ पे लिया जाएगा, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग। किसके बिहाफ पे लिया जाएगा? अकाउंटिंग। एवरीबडी चलो आ जाओ। सर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग आज आपका हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा, बाकी का ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कल के लेक्चर में देखेंगे हम। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितने ब्रांच है अकाउंटिंग के? आपको सवाल आएगा एमसीक्यू में, देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, कितने ब्रांच है भाई साहब? तीन। एक कौन सा है आपका? फाइनेंशियल। एक कौन सा है आपका? कॉस्ट। एक आपका मैनेजमेंट। एवरीबडी कितने ब्रांच है अकाउंटिंग के? तीन। एक है आपका फाइनेंशियल, एक है आपका कॉस्ट, एक है आपका मैनेजमेंट। तीन ब्रांचेज अकाउंटिंग के, चैट बॉक्स में हर एक बच्चा आंसर देगा। देर आर हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग? वन टू थ्री। थ्री विच? फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फिर से एक बार, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब क्या? डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। रिजल्ट्स मतलब क्या यार? फिर से वही रिजल्ट्स का मतलब आ गया। क्या रहता है रिजल्ट्स? प्रॉफिट या तो लॉस, प्रॉफिट या तो लॉस। आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे, आप जब इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे, तो आपको क्या पता चलेगा? आपका फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, आपको बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट। कॉस्ट अकाउंटिंग, आप जाके एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले फ्यूचर में, तो आप कौन सी अकाउंटिंग करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। कंट्रोलिंग ऑपरेशन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। देखो आपके नाम के आगे सीएमए लगने वाला है, आप सबका एक ही सपना होना चाहिए कि भाई साहब सीएमए आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है, तो मेरे नाम के आगे हमको हमेशा, समझो आपका नाम है केशव, तो आपके नाम के आगे लगना चाहिए सीएमए केशव, सीएमए हर्ष अग्रवाल। हर एक के नाम पे सीएमए लगना चाहिए आपके नाम के आगे, तो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट होगा। कंट्रोलिंग ऑपरेशन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, आपका काम क्या रहेगा? कॉस्ट अकाउंटिंग को मैनेज करना। आप बड़े बड़े जाके प्रोडक्शन यूनिट में जाके आप मैनेज करोगे, कॉस्टिंग के डिपार्टमेंट में आओगे आप। आपको कॉस्ट, देखो एक चीज सिंपल है, एक्सपेंस कम प्रॉफिट कम या ज्यादा? अगर मैंने एक्सपेंस को कम किया, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सिंपल सिंपल चीज है। पहले कोई चीज के लिए मैं 100 रुपए खर्चा करता था और मेरा कितना होता था भाई साहब? सेल होता था 120। ये मेरा फॉर एग्जांपल परचेस, ये मेरा सेल। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20। कितने का हुआ? प्रॉफिट 20 का क्या हो गया? प्रॉफिट। अगर मैंने मेरे परचेस को 90 रुपए कर दिया, कितना कर दिया? 90। मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 20 का 30 मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि मैंने मेरे परचेस कॉस्ट क्या कर दिया? कम। क्या कर दिया? कम। कंट्रोलिंग ऑपरेशन टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, आपको सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसके आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके प्रॉफिट भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। आपका कॉस्ट अकाउंटेंट का यही काम रहता है, पक्का। अरे क्या बात है यार, बच लो लिख के लगने गए, सीएमए गुनगुन सिंह, सीएमए साहू, यार क्या बात है, वेरी 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 गुड यार, वेरी 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 गुड। लास्ट वाला है आपका मैनेजमेंट अकाउंट। लास्ट वाला क्या पार्ट है हमारा? मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी बिजनेस विदाउट डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के बिना कर सकते क्या? नहीं। कोई भी बिजनेस में आप जाओगे विदाउट प्लानिंग, विदाउट डिसीजन मेकिंग, आप बिजनेस कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी आप सबका एक सक्सेस बैच प्लान करना रहता है, तो उसके लिए हमको एक 15 दिन 20 दिन, एक महीने भर से प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सा टीचर कब जाएगा, कितना उसका सिलेबस पढ़ाएगा, वो क्या क्या लेगा, क्या क्या नहीं लेगा, ये एक प्लानिंग है। विदाउट प्लानिंग मुंह उठा के आ गए, काम चलने वाला है क्या? नहीं। नोट्स कौन से है, कौन से इनको देना है, कौन से नए नोट्स बनाना है, टीम को बताना पड़ता है ना। क्या विदाउट प्लानिंग काम हो जाएगा? नहीं। हर एक चीज प्लानिंग से होता है। एवरीथिंग विदाउट प्लानिंग काम होएगा क्या? नहीं। तो आप लोग देखो, आप लोग क्रिकेट देखते रहोगे, मेरे ख्याल से बहुत लोग क्रिकेट के शौकीन नहीं है, क्रिकेट देखते रहेंगे,
तो क्रिकेट के ग्राउंड पे जाने से पहले वो हर्डल बनाते हैं, हर्डल देखा है क्या आप, सारा टीम एक साथ जब प्लेयर जब ग्राउंड पे आने से पहले एक हर्डल बनता है, हर्डल हर्डल के अंदर कैप्टन बोलता है कि ये प्लान है हमारा, प्लानिंग विदाउट प्लानिंग जाके बस किसी के हाथ में ही बॉल देगा काम चलेगा क्या नहीं। आपने देखा रहेगा कि जब कैप्टन लोग बॉल देते तो हर टाइम वो फर्स्ट ओवर सेमी बॉलर से करवाते, उनका प्लान बेटा है वो ऑलरेडी वो प्लान को फॉलो कर रहे हैं। अगर उनने जाके किसी भी बॉलर को दे दिया फर्स्ट ओवर में तो टीम की लग जाएंगे क्या नहीं, टीम का जो विनिंग परसेंटेज वो कम हो जाएगा। सिंपल बिजनेस में भी अगर एक भी कोई भी चीज़ आप विदाउट प्लानिंग करते तो आप काम कर पाओगे क्या नहीं। डिसीजन मेकिंग फिर से वेरी इंपॉर्टेंट, अब वेरी इंपॉर्टेंट नाम जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के बिना आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, हर एक चीज़ आपके इन्वेस्टिंग पर्पस, आपके मम्मी पापा कितने सारे डिसीजन खुद से लेते। देखो देखो कभी कभी आपने देखा रहेगा घर में मम्मी पापा दोनों साथ में है तो कोई कोई चीज़ में पापा डिसीजन लेते रहेंगे और कोई कोई चीज़ में मम्मी लेते रहेंगे, देखा है क्या आपने। फॉर एग्जाम्पल पापा खर्चे के बारे में डिसीजन कौन लेते रहेंगे ज़्यादा, मम्मी, कौन लेते रहेगा मम्मी, क्योंकि मम्मी को सब मैनेज करना है ना, फीस भी पे करनी है, सब्जी वालों को भी देखना है, दूध वालों को भी देखना है, टीवी का रिचार्ज भी करना है, ये सारी चीज़ कौन करती है मम्मी, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग किसका रहेगा मम्मी का। अगर आपको नया हाउस परचेस करना है, न्यू हाउस परचेस करना है तो उसके डिसीजन कौन लेंगे सारे के सारे पापा, बाइफरकेटेड है, कुछ डिसीजन आप लोगे कुछ डिसीजन मैं लूंगा, और जो भी डिसीजन लेते हो दोनों क्या करते हैं फॉलो, क्या करते हैं फॉलो। सेम बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग अगर जब तक आप पूरा लेते हो नहीं हो आपको काम होने वाला है क्या नहीं। एवरीबडी क्लियर है क्या, वेरी गुड, हर्षद गायकवाड़ भी आ गया, यस 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 यस, वेरी 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 गुड यार, आई थिंक सो एवरीबडी इज क्लियर। तो हमने तीन ब्रांचेस देखे अकाउंटिंग के, पहला वाला कौन सा है भाई साहब फाइनेंशियल, दूसरा वाला कौन सा है कॉस्ट, तीसरा वाला मैनेजमेंट। एवरीबडी क्लियर है क्या, कितने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है, 1 2 3 3, विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे करते, फॉर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को कम करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ, प्रॉफिट को बढ़ाओ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर एक चीज को क्या करना पड़ता मैनेज, साथ में क्या लेना पड़ता आपको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करना पड़ता, विदाउट प्लानिंग ये काम चलेगा क्या नहीं। तो आई थिंक सो एवरीबडी इज क्लियर। आज हमने ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट पर गए, अभी जो कल का लेक्चर रहेगा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या रहेगा। कल के लेक्चर में हम सबसे पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, उसके बाद अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थ्योरी सवाल इस पर पूछते ही पूछते हैं। इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको अभी तक एंट्री पास करते नहीं आती सर, डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, डबल एंट्री सिस्टम साथ में बैठ के पढ़ेंगे, आपके लिए मोर देन इनफ होगा, आपको टाइमिंग भूलना नहीं है। बस कल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का पार्ट रहेगा, अभी बस ओवरव्यू देता हूँ कितने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। तीन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, कौन से, कैश अक्रूअल हाइब्रिड, या तो क्या बोलता हूँ मैं उसको मिक्सड, कैश अक्रूअल या तो मिक्सड, ये तीन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, सिंपल है, कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जितना ही पार्ट है आपका काम रहेगा आपके मॉड्यूल में, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में से इसको एक बार रीड करके लेना है, ईमानदारी से अगर आपने रीड कर लिया आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। एवरीबडी एक बार फटाफट से चलो रिवाइज करते हैं डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, कितने लोगों ने डेफिनेशन दिया था, एक या दो, कौन कौन था, AICPA, दूसरा क्या था AAA, AICPA का ईयर क्या है 1961 या 1966, और AAA का कितना है 1966, कौन सा है 1966, याद आ रहा है क्या नहीं। हमने फिर पढ़ा ट्रांजेक्शन और इवेंट्स, क्या हर एक ट्रांजेक्शन इवेंट है क्या, यस और नो, यस, बट क्या हर एक इवेंट एक ट्रांजेक्शन है क्या नहीं। ट्रांजेक्शन के अंदर क्या लगते हैं भाई सब, ह्यूमन एफर्ट्स, क्या लगते हैं ह्यूमन एफर्ट्स, बट इवेंट के अंदर ह्यूमन एफर्ट्स लगने वाले क्या नहीं। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा, कितने ऑब्जेक्टिव्स है भाई साहब, पांच। पहले डिसीजन मेकिंग, किसको इन्फॉर्मेशन देंगे आप, यूजर्स को, किसके लिए डिसीजन मेकिंग। दूसरा सिस्टमैटिक वे, तीसरा असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, प्रॉफिट या तो लॉस, तीसरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लास्ट वाला टू नो दी सॉल्वेंसी। में दो चीज पढ़े हमने, एक का नाम था सॉल्वेंट, एक का नाम था इंसॉल्वेंट, मतलब क्या आपके एसेट्स ज्यादा लाइबिलिटीज कम, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या लाइबिलिटीज ज्यादा एसेट कम, क्या बात है। फिर हमने पढ़ा दो डिफरेंस पढ़े जिसका नाम था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, कौन सा बॉर्डर है बुक कीपिंग के अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बुक कीपिंग क्या है शॉर्टर, पहले क्या होगा बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, बुकिंग के बिना अकाउंटिंग कर सकते क्या नहीं, तो आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग, याद रहेगा क्या। बुक कीपिंग कौन करता, जूनियर स्टाफ सीनियर स्टाफ,
जूनियर या सीनियर? जूनियर। और अकाउंटिंग कौन करता? सीनियर। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? कितने ब्रांचेस पढ़े हमने? तीन। कौन से? फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? अरे लाइव स्ट्रीमिंग सब लोग बता दो, एवरीबॉडी क्लियर है क्या? नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? मिलेंगे सब, सब चीज तेको आज ही चाहिए, सबर कर लो जरा, मिलेंगे बिल्कुल चिंता। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना। तो भाई साहब मेरे तरफ से आज के लिए बस इतना है, बाकी का पार्ट वी विल बी डूइंग टुमारोज लेक्चर। आई थिंक सो एवरीबॉडी इज क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं? एक दो मिनट देना मुझे बस। अगला लेक्चर आपका रहेगा वन एंड ओनली करण सर के साथ कम्युनिकेशन, तो आपको जाना नहीं है। और शेड्यूल आपके सामने भाई साहब, जिस लोगों को पता नहीं था कोई तो बोलते सर शेड्यूल दिखा दो, ये शेड्यूल आपके सामने है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलरेडी हमारे क्लास के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहीं पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा। और भूलना मत कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम मॉर्निंग 10:30 बजे सुबह सुबह। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लाइव स्ट्रीम थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच लाइव स्ट्रीमिंग फॉर शोइंग सो मच रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और आप सब लोगों ने आंसर्स दिए। वेरी गुड यार, वेरी 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 गुड आप सब लोगों के आंसर्स, आप सबको डेफिनेटली आज के क्लास में मजा आएगा। थैंक यू सो मच यार सर, मजा आ गया क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे ही फेथ रखना है एसी पे। यस, ओल्ड सिलेबस वालों में कम्युनिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं यार। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर लाइव स्ट्रीमिंग, बाय बाय, टेक केयर। एप्लीकेशन में ऐड कब हो गया? आपको रिक्वेस्ट भेजना है, ऑलरेडी मैम ने बोला है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको व्हाट्सएप बैच कोड भी दिया हुआ है, आपको बस जाके बैच कोड ऐड कर रहा है। अभी थोड़ा टेक्निकल काम है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सबर रखना मांगता। मेरा हुआ नहीं, इसका हो गया, ऐसा मत करो, सबका होएगा, सबको मिलेगा, केक कटेगा, सब में बटेगा, टेंशन लो मत। बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू लाइव स्ट्रीमिंग, थैंक यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर करण सर करेगा, बाय, टेक केयर।